हाय गाइस, सो हम पहुंच गए हैं मेरी फेवरेट प्लेस रामनगर। और क्योंकि जो मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं उनको आने में भी टाइम लगेगा, तो हमने सोचा कि चलो धनगढ़ी गेट तक घूम के आते हैं। आप देखो कितना बारिश के बाद एकदम कितना ग्रीनरी यहाँ पे, मतलब पार्क खुलेगा हम कोशिश करेंगे कि निकाला के बुकिंग मिले। जो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ फरवरी में गए थे, उनका प्लान है कि दिसंबर में हमें बुकिंग मिल जाए दोबारा, तो तब जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम आम डंडा गेट पे आ गए, जो जहाँ से बिजरानी की एंट्री होती है, ये वो गेट है। ये गेट लेफ्ट, ये फॉरेस्ट की चौकी। और अभी रिसेंटली एक जो रामनगर के लोकल फोटोग्राफर हैं जिनका यहाँ पे गैलरी भी है, उन्होंने एक पोस्ट डाला था जहाँ पे एक अभी रिसेंटली देखा गया था। तो यहाँ से थोड़ा आगे गांव पड़ता है, उसको बोलते हैं रिंगोड़ा, तो वहाँ पे एक पाइथन ने डियर को खाया था। मतलब लेडीज़ जो हैं वो जैसे फॉरेस्ट वोट इकट्ठी करने जाती हैं, जब वो लौट के आ रही थी तो उन्होंने देखा। इतने में वहाँ काफ़ी लोग पहुँच गए थे और फिर वो पहुँचे जो फोटोग्राफर हैं, उन्होंने फिर उसको कैप्चर किया, पोस्ट भी किया और वो लोकल न्यूज़पेपर में आया भी था। अभी मैं इसी रोड पे हूँ, देखिए ब्यूटीफुल ग्रीनरी। स्पीडिंग करते हैं ना इस जोन में, अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 40 स्पीड लिमिट है यहाँ पे। और जो नेचर को बिल्कुल यू नो एंजॉय नहीं करते वो, ये अब नो ऑफेंस बट ये दिल्ली नंबर गाड़ी थी, इनको लगता है कि भैया अगर रोड खाली है तो बस भगाओ। बट हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि दिस इज एन एनिमल टेरिटरी, दे हैव द राइट ऑफ वे, यहाँ पे टाइगर क्रॉस करता है, एलिफेंट्स क्रॉस करते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। और ये आई थिंक इतनी तेज वो आदमी चला के लेके गाड़ी, ये देखिए एक पीछे आ रही है, ये देखो, एंड नो ऑफेंस, देखो ये भी दिल्ली नंबर है। मैं देखो बिलो 40 चल रहा हूँ, एक्चुअली बिलो 40। और जब मैं लास्ट टाइम आया था तो हम लोग जंगल जा रहे थे, तो उस टाइम रोड बन रही थी, हमारी आगे जो गाड़ी थी उसमें बच्चे बैठे थे, लेडीज थी, उन्होंने ना रैपर बाहर फेंक दिया लेज चिप्स का। एंड उस दिन मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं उतरा गाड़ी से अपनी जिप्सी से, क्योंकि हम लोग निकाला जा रहे थे तो यहीं से जिप्सी में थे। मैं कहा जी आप इसे वापस रखिए और जहाँ आगे आपको डस्टबिन मिलेगा वहाँ आप फेंकिएगा, तो ऐसे मत किया करो। अगर आप लोग रोड पे लिटर करने की आपको आदत है तो उसे सुधारो, आप एक पॉलीबैग रखिए गाड़ी में जिसमें सारा ट्रैश डालो और एक जगह डस्टबिन जहाँ मिलता है वहाँ डाल दो। कितना मुश्किल काम है, जितना आसान खिड़की खोल के बाहर फेंकने में है आप इकट्ठा कर लो और एक साथ डस्टबिन में डाल दो, है ना। तो वही है कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाना जंगल को और जंगल आपको बहुत कुछ देगा। तो ये वो गांव है रिंगोड़ा जहाँ पे वो पाइथन का केस हुआ था। और जब हम जैसे बिजरानी जाते हैं या डिकाला भी, तो हम लोग यहीं पे पार्क कर देते हैं गाड़ी इनके रेस्टोरेंट में। ये लोग लेते हैं 200 रुपीज़ पर नाइट, मतलब जैसे आप 3 नाइट्स के लिए जा रहे हो तो 200 रुपीज़ पर नाइट, मतलब आप जाओगे आओगे तो थर्ड नहीं फोर्थ मॉर्निंग आओगे तो
300 रुपीज़ ये लोग 600 रुपीज़ ये लोग चार्ज करेंगे, विच इज फेयर इनफ कि गाड़ी सेफ है, पार्क्ड है। दूसरा रामनगर ऑलमोस्ट क्रॉस हो गया, तो जैसे अब डिगोली था जहाँ पे पीछे सारे रिजॉर्ट्स हैं, ताज एंड एक नमा बहुत अच्छा रिजॉर्ट है जहाँ पे मैं दो तीन बार ही रुका हूँ। अच्छा, गुड रूम्स, गुड फूड, गुड हॉस्पिटैलिटी, मतलब मस्ट स्टे, मतलब रेकमेंडेड है मेरी तरफ से। तो आप कोशिश करेंगे जब भी मतलब जंगल वाली जगह में हो, जैसे हम अभी क्रॉस कर रहे हैं, ये तो बस पॉपुलेशन है इसलिए क्या कहते हैं गाड़ियाँ चल रही हैं वो, बट अदरवाइज ये फॉरेस्ट एरिया ही है, इसको बफर जोन बोलते हैं। और जो गेट के अंदर होता है विच इज प्रोटेक्टेड, जहाँ पे विदाउट परमिशन नहीं जाना चाहिए, उसको बोलते हैं कोर एरिया। बिल्कुल भी आपने रुक के, अगर आपने गाड़ी रोक भी ली तो आपने अकेले नहीं उतरना है, स्ट्रिक्टली अकेले नहीं उतरना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है, अगर है भी तो आप देख लो, फुटेज में देख लो कितना ट्रैफिक है। और यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, मतलब उसमें किसी भी गलती नहीं है, ना एनिमल की ना ह्यूमन की, बट हमें उनको रिस्पेक्ट करना है और हमें उन्हें स्पेस देनी है जो उनकी है, और कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो आप इतना शांत है, कोई ट्रैफिक यहाँ पे ज़्यादा होता नहीं है। अब देखिए ये जो आगे चल रहे हैं, अब कोई कई बार ऑप्शन भी नहीं होता ना कि हम क्या करें। अगर आपका घर फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है, आपका खेत फॉरेस्ट के बगल में पड़ता है, तो आप काम करने तो जाओगे, तो बहुत बड़ा रिस्क कैरी करते हैं ये लोग। अभी जैसे थोड़े टाइम पहले खडीमा के आसपास हुआ था,
खेत में लकड़ी काट रहे थे वो लोग, और उनको एक टाइगर उठा के ले गया, जो कि वहाँ पहली बार हुआ। तो ये भी है मतलब ये सुंदरखाल गांव है जहाँ की एक टाइग्रेस बहुत फेमस थी जो मैनेटर हो गई थी, और जैसे इन्होंने नाम भी रखा हुआ है सुंदरखाल वैली पॉइंट। पूरा फॉरेस्ट है दोनों साइड। सुंदरखाल यहाँ के चर्चे बहुत फेमस हैं, हालांकि यहाँ गाड़ी से उतरना ठीक नहीं है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट मैनिटर्स यहीं रहे हैं। और कई सारी वीडियोस में आपने सुंदरखाल का नाम ज़रूर सुना होगा। अगर आप राइट लेफ्ट साइड में देखें तो एक्चुअली ये कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही एरिया है, मतलब आगे जाकर धनगढ़ी गेट जो है वो भी लेफ्ट साइड में पड़ता है। तो धनगढ़ी गेट के आसपास जो भी होमस्टे हैं वहाँ जितने होम, ये देखिए आगे छोटा भीम मैगी पॉइंट मोस्ट फेमस। तो यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक फेंस लगा दी अब, तो गेट के बाहर जो भी होमस्टे हैं उन्होंने कई बार बताया कि हमारे सामने ही कॉलिंग हो रही होती है, क्योंकि तो टाइगर और लेपर्ड तो कहीं भी हो सकते हैं ना। गाइस धनगढ़ी गेट एंट्री टू हेवन, यहाँ से निकाला जाते हैं। यहाँ पे म्यूज़ियम है जहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स कॉर्बेट के सोवेनियर्स वो मिल जाते हैं। आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे हर बाउंड्री पे, आप जैसे यहाँ पे भी है, आप किसी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में भी जाते हो तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को कभी कभी जैसे आपको कोई बताता है तो रियलाइज़ होता है कि आपको पता थी पहले से, ये इलेक्ट्रिक फेंस एनिमल्स को दूर रखने के लिए नहीं है, मतलब ऑब्वियसली ये हेल्प करता है, बट एज ह्यूमंस हम थोड़ा सेफ फील करते हैं कि हम एक सेफ स्पेस में हैं। अदरवाइज़ रात को तो डियर भी अंदर आ जाता है और एलिफेंट टाइगर, उनके लिए फेंस कुछ भी नहीं है। इतना इंटेलिजेंट एनिमल है एलिफेंट कि कई बार वो एक लॉग से, मतलब वुड उठाता है वो और तोड़ देता है। ये मेरे को झरना में पता लगा था, झरना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के जो इंचार्ज हैं उन्होंने बताया था। तो ये है, मतलब ये जानवरों को बाहर रख ही नहीं सकेगा, पर आपको एक तरह के से वो सेफ फीलिंग आ जाती कि हाँ मैं सेफ हूँ। अदरवाइज जैसे जिस टाइम से मेरे फादर आते थे तो फेंस वगैरह कुछ नहीं होती थी। ये 2005 में एक इंसिडेंट हुआ था जब रात को एक टाइग्रेस ने डिकाला कैंटीन के जो इंचार्ज हैं उनको पकड़ लिया था। तब से उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग का आइडिया इनकॉर्पोरेट हुआ, अदरवाइज उससे पहले कुछ नहीं था। आओ जी आओ, क्या हाल है? बस बचा, आओ इधर ही लगा लो या वहीं चलें? हाँ उधर ही लगा लो। इन्हीं की वेट हो रही थी, हम बस रिजॉर्ट में एक गाड़ी खड़ी करते हैं फिर जाएंगे सीतामढ़ी।